नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। होटल की अपराध शाखा पुलिस ने दो युवकों को मुखबिर की सूचना पर 8 किलो 460 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने एक स्कूटी भी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी काफी समय से यह गांजे की तस्करी कर रहे थे। जांच अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि दो आरोपी स्कूटी पर सवार होकर होडल से करमन बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, जिनके पास नशे का सामान जिसको गांजा कहते हैं, यह इसको यूपी में लेकर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए उजीना नहर पर वाहनों की जाँच करनी शुरू कर दी। तभी पुलिस को उक्त स्कूटी आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया तो आरोपी पुलिस को देख मौके से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मौके पर ही स्कूटी सहित काबू कर लिया। पुलिस ने जब आरोपियों की तलाश ली तो आरोपियों के कब्जे से 8 किलो 460 ग्राम गांजा मिला। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम होडल निवासी भगत सिंह और गांव करमन निवासी लक्ष्मण बताया है। यह दोनों आरोपी काफ़ी समय से गांजे की तस्करी कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया है। सर, ये जो गांजे के आरोप में दो आरोपी पकड़े, कहां के रहने वाले, कितना इनसे गांजा बरामद किया था और रिमांड के दौरान क्या क्या बात कबूली इन्होंने? गांजा इनके पास से 8 किलो 460 ग्राम गांजा बरामद हुआ है और एक करमन का रहने वाला और एक गड़ी मोहल्ला होटल का रहने वाला। क्या क्या नाम है इनके? एक का लक्ष्मण, एक का भगत सिंह। कहाँ से आ रहे थे, लेके कहाँ ले जा रहे थे इनको गांजे को? ये अपना इधर पलवल साइड से अपना स्कूटी पर लेकर आ रहे थे, जो मुखबर खास के इतला पर हमने अपना नाकाबंदी करके इसको कब्जा किया। तो क्या क्या चीज़ बरामद करी इनसे? गांजा पत्ती बरामद की और वाहन भी इनका। हाँ, एक वाहन। तो ये कब से कर रहे हैं धंधा रिमांड के दौरान? कोई कबल कितने दिन रिमांड पर रहे हैं? करीब 4-5 महीने से काम कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं गांजे तस्करी। सर, ये जो गांजे के आरोप में दो आरोपी पकड़े, कहाँ के रहने वाले, कितना इनसे गांजा बरामद किया था और रिमांड के दौरान क्या क्या बात कबूली इन्होंने? गांजा इनके पास से 8 किलो 460 ग्राम गांजा बरामद हुआ है और एक करमन का रहने वाला और एक गड़ी मोहल्ला होटल का रहने वाला। क्या क्या नाम है इनके? एक का लक्ष्मण, एक का भगत सिंह। कहाँ से आ रहे थे, लेके कहाँ ले जा रहे थे इनको गांजे को? ये अपना इधर पलवल साइड से अपना स्कूटी पर लेकर आ रहे थे, जो मुखबर खास के इतला पर हमने अपना नाकाबंदी करके इसको कब्जा किया। तो क्या क्या चीज़ बरामद करी इनसे? गांजा पत्ती बरामद की और वाहन भी इनका। हाँ, एक वाहन। तो ये कब से कर रहे हैं धंधा रिमांड के दौरान? कोई कबल कितने दिन रिमांड पर रहे हैं? करीब 4-5 महीने से काम कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं गांजे तस्करी। पलवल जिले की तमाम छोटी और बड़ी खबरें सर्वोदय टीवी आप तक पहुंचाता रहता है। आपके पसंदीदा चैनल द्वारा दिखाई गई खबरें आपको कैसी लगती हैं? चैनल आपके क्षेत्र की आवाज को बुलंद कर रहा है। आप सभी दर्शक सर्वोदय टीवी के FB पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें और खबरों से संबंधित जानकारी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।